नमस्कार दोस्तों और पेश बंसल आरबीला मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूं। खबर अबोहर से आ रही है, यहां पर धर्म नगरी गली नंबर 7 में सीवरेज जाम की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। गली में बने गुरुद्वारा साहब के सामने सीवरेज का पानी खड़ा है, गंदा पानी यहां पर जमा है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का यहां से गुजरना बेहद मुश्किल हो गया है। आरबीला मीडिया पर हमारे संवाददाता अनिकेत भारद्वाज व गुरुनाम संधु की यह रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। यहां पर रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि पहले से ही लोग सीवरेज जाम की समस्या से दो चार हो रहे हैं। वहीं पर मोहल्ले में लगे एक आरओ प्लांट वालों ने अपने पानी का कनेक्शन भी यहीं पर छोड़ दिया है, जिससे रोजाना ही गली में पानी जमा रहता है। गुरुद्वारा साहब के सामने आकर पानी एकत्रित हो जाता है, जिससे लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। लोग यहाँ पर एकत्रित होकर विरोध जता रहे हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए लोगों द्वारा प्रशासन के नाम एक शिकायत भी दी गई है। देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पर जमा है, अपनी समस्या बता रहे हैं। आरबीला मीडिया किसी तरह के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। मैं मिलवाने जा रहा हूँ यहाँ पर रहने वाले लोगों से, देखिए किस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। आरबीला मीडिया आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। दिखाई है सीवर बोर्ड के अधिकारियों दस्या भी है भी इतने गुरुद्वारा साहब को ला के ब्लॉकेज ज़्यादा रही है, इतने बार बार डीसल्टिंग कराई जाए, जड़िया लाइना बंद पू चालू कराया जाए, पर प्रशासन साड़ी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हूँ क्यों नहीं कर रहा पता नहीं, ये तो हूँ प्रशासन जवाब दे भी साड़ी सुनवाई क्यों नहीं कर रहा। बार बार कंप्लेटा करन तो बाद भी साडा काम नहीं हो रहा। एक इधर पानी का आरओ हैगा, उसकी वेस्टेज भी ज़्यादा होती है, ये करके भी अपने ब्लॉकेज ज़्यादा होती है। एक ये लाइना बहुत पहलों दी पईआं है, पाइपां छोटियां, उसके गार जम जाती है, दूजे तीजे दिन ही ब्लॉकेज आ जाती है। तो साड़ी प्रशासन तो मंग है भी ये सारे चैंबरों की सफाई की जाए, इन्हां दी डीसल्टिंग करा के दोबारा लाइन चालू कराया जाए, ताकि जिहड़ी गुरुद्वारा साहब आने वाली साध संगत है उन्होंने किसी तरह की परेशानी ना हो। कई बार प्रशासन बेनती कर चुके हैं पर प्रशासन में सुनाई नहीं हो रही। ये सीवरेज काफ़ी देर तो बंद पै रहा है, खास करके गुरुद्वारा साहब के अगे ये चिक्कड़ जो पै छप्पड़ बनया रहा है। नित एक नाल साथ आर ओ है, आर ओ की निकासी किसी बाहर पासे होनी चाहिए है। आर ओ का पानी भी सारा इस गली चाहता है। बाकी होर जिमें साडे एम सी साहब ने पहला दसिया, प्रशासन को बहुत बार बेनती की है, ये सुनवाई नहीं हो रही। सीवरेज बोर्ड से भी जाके पाइपा जड़िया दोबारा पाई जान और ये गली का सुधार किया जाए। लंघन वाले स्कूल के बच्चे जाते हैं, वो अपने जुत्तियां ला के उन्होंने जाना पैंदा है, बिल्कुल बिजली लंघे नहीं जा रहा, किसी पास कोई मोटर व्हीकल स्कूटर कुछ भी नहीं लंघ सकता। इतों की ये गली एक तरह का छप्पड़ तलाब बनया पै, सो बेनती करते हैं प्रशासन को भी इस वाल जरूर ध्यान दिता जाए। ये गली नंबर 3 वार्ड नंबर 3 धर्म नगर जी ये हालात है, गली नंबर 7 गुरुद्वारा गुरु रामदास जी के बिल्कुल गेट के अगे ये जो है। सत श्रीकाल जी, मैं सोनू राजपूत, मैं गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन आ रहा, हूँ तो 5 मिनट पहला मेरा हालात वेख्या, मैं किमें चिक्कड़ से डिगया सी, साडा कोई मसले रैन सी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई अकाली पार्टी, कोई कांग्रेस, कुछ नहीं सुन रहा साडा। मेरी हाथ जोड़ के बेनती सरकार नूं, साडे मसले महल का मसला हल कराओ जिम्मे मर्जी। मैं गरीब बंदा जी, मैं पलेदार बंदा, मैं इतने डिग्या, मेरा 3-4 हज़ार रुपया पानी धन्यवाद सरकार अगर। मेरी बेनती है ये साड़ी हाजिरी जरूर मनो, थैंक यू।